नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव और इस समय मैं आपको एक ऐसा थाना दिखाने जा रहा हूं, क्यों पुराना और जर्रा जर हालत। यानी ये थाना बबीना का है, जहां कभी थाना प्रभारी निरीक्षक बैठते थे और यहां पे ये रूम जो दिखाई दे रहे हैं इनमें पुलिस बल तैनात रहता था, उनके रहने की व्यवस्थाएं थी और यहीं पे खाना पीना उनका बनता था। लेकिन आज हम उस हकीकत को दिखाने जा रहे हैं जहां पर हमारे जो रक्षक हैं उनकी बैरगों का क्या हाल है और वो किस हाल में यहां रहते हैं। और यह अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ थाना है। इस थाने की आज हम आपको एक हकीकत दिखाएंगे और एक एक बारीकी से बताएंगे आपको कि किस हाल में नौजवान सिपाही इस पुराने थाने के अंदर रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक नई बिल्डिंग ना होने के कारण उन सिपाहियों को इस जर्रा जर्रा हालत में रहना पड़ रहा है। और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कहाँ थाना प्रभारी निरीक्षक बैठते थे, कहाँ हमारे सिपाही आज भी रहने को मजबूर हैं। आपको पहले मैं वो चीज़ दिखा देना चाहता हूँ जो बरसात के मौसम में बिल्डिंग गिर गई है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो इस हाल को दिखाएं जो बरसात में गिर रहा है। ये अंग्रेजों के जब आज का नहीं बना हुआ है, ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है थाना। और यहाँ पे आज भी सिपाही रहते हैं, हमारे नौजवान साथी जो हमारी रक्षा करते हैं वह सिपाही यहाँ रहते हैं। और वो इस हालत में आप देखिए, पूरी बिल्डिंग देखिए किस तरह से गिर रही हो ये बरसात के मौसम में। अगर ये बिल्डिंग और भी गिरती है और यहाँ पे सिपाही रात को ड्यूटी करके आते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं तो क्या होगा, इस बात का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उच्च अधिकारियों को यह सब मामला संज्ञान में लेना चाहिए या नई बिल्डिंग बनाई जा सकती है। लगभग मुझे नहीं लगता कि 2016 के बाद इस पर आदेश हुआ था कि इस थाने के अंदर कोई भी सिपाही नहीं रहेगा, लेकिन आज रहने को मजबूर है। इसी में 112 के सिपाही भी रहते हैं जो 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रात में अपनी अपनी ड्यूटी के बाद विश्राम करते हैं। अब मैं दूसरी ओर अपने कैमरा मैन से कहूँगा, सिपाही जो तारे पड़े हुए हैं ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ अंदर सो रहे हैं। मैं दूसरी ओर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की हालत क्या होगी और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो हमारे गांव क्षेत्र देहात की रक्षा करने वाले, सुरक्षा देने वाले सिपाहियों के यानी रूमों की हालत आप देखिए क्या हालत है। भैया ड्यूटी जा रहे हैं आप? जी जी सर। क्या हालत है आप किसकी? नई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, आप देख ही रहे हालत। तो कैसे सोते होंगे रात में, बरसात होती है? तो क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में उच्च अधिकारियों को बाइट देने का ही लोग बाइट देंगे और किसी सिपाही या SHO या थाना प्रभारी को बाइट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है और हम लोग यहाँ पे आ भी नहीं पाते हैं, एक जर्रा जर्रा हालत है। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे माल गोदाम बना हुआ था जिसकी हालत काफ़ी बदतर है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको पुरानी अंग्रेजों को जमाने की जो लॉकर थे जिसमें बंदी बंद होते थे वह चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आज भी सामान भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बंदियों को लाया जाता था या मान लो जो मुलजिम आते थे मुलजमानों को उन्हें इसमें रखा जाता था, यह वही अंग्रेजों के जमाने का है। मैं आपको दिखा दूं कि ये वही अंग्रेजों के जमाने के लगाए हुए गेट हैं। आज भी यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ था, अंदर ये सूचना पट है, इस पर पूरी सूचनाएं दर्ज होती थी। इसके अंदर दीवान और अन्य कर्मचारी बैठते थे। ये वो जगह है, ये अंग्रेजों के जमाने के लगाए हुए गेट आज भी मौजूद हैं, लेकिन बिल्डिंग की हालत अच्छा है। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भी कुछ सामान रखने की जो ताला पड़ा हुआ है ये भी बहुत खंडर बुरी हालत में, ऊपर से देखिए गिर रहा है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं।
वहाँ सामने गेट बना हुआ है। यह थाना वही थाना है बबीना का, प्रचलित थाना है, आज भी यह पुराने थाने के नाम से जाना जाता है और अब नया थाना बना दिया गया है, लेकिन सिपाहियों को रहने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। मैं प्रदीप यादव के साथ, आप देखते रहिए न्यूज वीके। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन लें। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी झांसी। शिक्षा संस्कार समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627।